हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हिंदी में कवर करेंगे सो फर्स्ट न्यूज है ईपीएफओ से रिलेटेड ईपीएफओ क्या है एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सो ईपीएफओ ने सी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है और अब ईपीएफओ में जो पेंशन लेने वाले लोग हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है जब आप पेंशन लेते हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप अभी जिंदा हो और इसी के लिए ये सर्टिफिकेट्स जारी की जाती हैं ताकि कोई पेंशन का मिस ना कर सके और किसी के डेथ होने के बाद भी फ्रॉड तरीके से कोई उनकी पेंशन ना ले सो ई पी है वो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में है और ई ने सी के साथ ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स के लिए पार्टनरशिप की है नेक्स्ट है यूपीआर यानी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू सो रिसेंटली एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूनाइटेड नेशंस को यूपीआर सौंपा है यूपीआर क्या है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यानी कि हमारे देश में ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है इस पर एनएचआरसी ने यूनाइटेड नेशन में एक रिपोर्ट सबमिट की है अब एनएचआरसी की बात करें तो ये एक स्टेटरी बॉडी है यानी की एक कानून के तहत बनाई गई बॉडी है और एन के जो चेयरपर्सन है वो है एच एल दत्तू सो यूपीआर जो टर्म है वो यूनाइटेड नेशंस से एसोसिएटेड है और इसके लिए रिसेंटली एनएचआरसी ने यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट सबमिट की है नेक्स्ट है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सो रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसके एनुअल सेशन को एड्रेस किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है आईसीसी है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक और आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय दुबई में है दुबई यूएई में है और दुबई यू का सबसे बड़ा शहर है जबकि अबू धाबी यू की राजधानी है।, है, so, है, है और रिसेंटली अमेजोन ने ये अनाउंस किया कि पुलिस अब उनका ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाएगी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि रिसेंटली यूएसए में जॉर्ज फ्लोड की डेथ के बाद रेसिज्म के खिलाफ यानी जो रंग भेद है उसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुई और इसी प्रोटेस्ट के कंटेक्स में अमेजोन ने यह अनाउंस किया कि पुलिस अब उनका ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि पुलिस इस सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों को आइडेंटिफाई करती है उनके स्किन कलर के बेस पर नेक्स्ट है एक्सोटिक लाइव स्पीसीज सो एक्सोटिक लाइव स्पीसीज कौन से होते हैं जो स्पीसीज नेचुरली ना होकर ह्यूमन के द्वारा लाए जाते हैं उस एरिया में ऐसे स्पीसीज को यानी ऐसे एनिमल और प्लांट स्पीसीज को लाइव लाइवीज बोलते हैं और रिसेंटली मिनिस्ट्री ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं और ये गाइडलाइंस साइट्स के तहत जारी की गई हैं साइट्स का फुल फॉर्म क्या है साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा और इन गाइडलाइंस के हिसाब से जो इंसान एक्जोटिक लाइव स्पीसीज को इम्पोर्ट करेगा यानी दूसरे देश से मंगवाएगा उसको डीजीएफटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी डी क्या है यह है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर और वो आई एंड बी मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं आई एंड बी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नेक्स्ट है योगा मॉड्यूल सो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के पवन मिशन ने ये योगा मॉड्यूल जारी किया है और इस योगा मॉड्यूल का टाइटल है योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा और योगा के कंटेक्सट में ही रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव की घोषणा की थी और ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है और इस कॉन्टेस्ट का नाम है माई लाइफ माई योगा नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी सो दो हजार बीस के लिए डॉक्टर रतन लाल को इस प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया है और डॉक्टर रतन लाल इंडो अमेरिकन है वो एक सोयल साइंटिस्ट हैं सो ये वर्ल्ड फूड प्राइज है इसको नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर के तौर पर माना जाता है नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सो चाइल्ड लेबर के खिलाफ 12 जून को वर्ल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि चाइल्ड लेबर के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके और इस साल का जो थीम था वो था कोविड 19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों को चाइल्ड लेबर से कैसे बचाएं इस कोविड 19 के सिनारियों में सो so, 12 जून है वो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जबकि 13 जून है वो है इंटरनेशनल एल्बनिज्म डे सो ये इंटरनेशनल एल्बनिज्म अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है 13 जून और इस दिन का थीम था मेड टू शाइन जबकि फोर्टीन जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पर मनाया जाता है और इसका थीम था सेफ ब्लड सेव लाइव नेक्स्ट है समर ऑफ आइडियाज सो ये इन्फोसिस की एक पहल है और इन्फोसिस अपने एक लर्निंग विंग स्पैन की मदद से इस इनिशिएटिव की शुरुआत करेगा ये कॉलेजेस बंद हैं इसलिए उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है और इसका नाम है समर ऑफ आइडियाज नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग्स रिसेंटली फीफा की नई रैंकिंग्स जारी की गई हैं जिसके हिसाब से बेल्जियम है वो फर्स्ट पोजीशन पर है जबकि फ्रांस है वो सेकंड पोजिशन पर और ब्राजील थर्ड पोजिशन पर है इंडिया वन जीरो पोजिशन पर है इस फीफा रैंकिंग में नेक्स्ट है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन इलेक्ट्रिक जोन में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश है डबल स्टैक का क्या मतलब है ये देखिए पिक्चर में एक डब्बे की लेयर है उसके ऊपर एक और लेयर है इलेक्ट्रिक जोन का क्या मतलब है ये देखिए इलेक्ट्रिक जो ट्रैक है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स है उनके ऊपर इस कंटेनर ट्रेन को चलाया गया था और ये पालनपुर से बोताड स्टेशन के बीच चलाया गया था ये गुजरात में है और ऐसा करने वाला इंडिया पहला कंट्री बना है जिन्होंने ये ट्रेन ओ में चलाई है ओ क्या है ओवरहेड इक्विपमेंट प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल नेक्स्ट है एनएचआई से रिलेटेड सो एन यानी नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट करने वाली पहली संस्था बनी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड के अंडर में है और इसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी नेक्स्ट है, ने है ओडिशा सरकार से रिलेटेड सो so, ओडिशा सरकार ने लोगों को इंसेंटिव के तौर पर दो हजार रूपए की घोषणा की है जो लोग क्वारंटाइन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे सो so, इससे लोगों को एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो इसको सीरियसली लेकर अपने क्वारंटाइन पीरियड को

पेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी पेड इंटर्नशिप का क्या मतलब है यानी कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको एन यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और इसके बदले में उन्हें पेमेंट भी मिलेगी सो so, उन्हें सीखने को भी मिलेगा और उन्हें कमाने को भी मिलेगा और इस इनिशिएटिव का नाम है सहकार मित्र सो so, इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और क्या क्या इश्यूज वो फेस करते हैं इसके बारे में लोगों को जागरूकता मिलेगी जो लोग इंटर्नशिप करेंगे और ये चार महीने तक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त करेंगे यानी चार महीने तक इनको सैलरी मिलेगी इस इंटर्नशिप के लिए नेक्स्ट है पंचवटी योजना सो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है और इस योजना के तहत जो रूरल एरियाज हैं वहां पर पार्क और गार्डन बनाए जाएंगे ताकि बुजुर्ग लोग वहां पर रेस्ट कर सके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर नेक्स्ट है सुन्नी योजना सो so, ये गुजरात सरकार की एक पहल है और सुन्नी का फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन योजना सो so, ये योजना 2016 में शुरू की गई थी अभी ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इसका सेकेंड फेज है वो 15 अगस्त 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा ऐसी घोषणा हुई थी सो so, ये स्कीम है वो नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड है और नर्मदा रिवर का जो पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर यूज लिया जाएगा इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए यूज में लिया जाएगा इरिगेशन यानी सिंचाई सो so, इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो स्टेट में यानी कि गुजरात में और कच रीजन में और कच्छ रीजन नर्मदा के पानी को पहुंचाना है नेक्स्ट है बेम्बो पर कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी यानी आप किसी प्रोडक्ट को जब मंगवाते हो इम्पोर्ट करते हो विदेश से तो उस पर सरकार कुछ ड्यूटी लगाती है इसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं अब सरकार ने बेम्बो पर यानी बांस पर 10 परसेंट से बढ़ाकर 25 परसेंट कस्टम ड्यूटी कर दी है यानी पहले आप सौ रुपए का बेम्बो मंगवाते थे तो उस पर दस रुपए पे करने होते थे इन टोटल 110 पड़े अभी आपको सौ रुपए के बेम्बो पर पच्चीस कस्टम ड्यूटी देनी होगी क्योंकि पच्चीस परसेंट ड्यूटी है सो अब एक सौ पच्चीस रूपए हो गए सो अब बेम्बो इम्पोर्ट करना महंगा हो गया इम्पोर्ट करना महंगा हो गया इसका मतलब है हाँ आप डोमेस्टिक जो सप्लायर्स है उनको प्रिफर करोगे क्यों क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है डोमेस्टिक सप्लायर जो विद इन इंडिया में है उसको डोमेस्टिक सप्लायर बोलेंगे सो इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री है है उसको फायदा मिलेगा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज सो इसकी घोषणा रिसेंटली सरकार ने की है और ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके और इस ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के जो हेड हैं वो हैं सीएस यानी कैबिनेट सेक्रेटरी प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा इसके अलावा कुछ और पर्सनैलिटीज न्यूज में थी रिसेंटली सो रिसेंटली समीर भांगड़ा का निधन हो गया वो होट सुरेश का निधन हुआ है वो बॉम्बे कोर्ट के जज रहे थे उनके अलावा गुलजार दहलवी का निधन हुआ है वो उर्दू के एक पोएट उनके अलावा सोनू सूद रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने माइग्रेंट्स को घर पहुंचाने के लिए काफी अच्छा काम किया है और इसीलिए गार्गो इंटरनेशनल ने उन्हें ब्रांड एम्बेडर के तौर पर अपॉइंट किया था गार्गो इंटरनेशनल एक दिल्ली बेस्ड लुब्रिकेंट कंपनी है नेक्स्ट है विश्वजीत दासगुप्ता सो वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने ईस्टर्न नावल कमांड के यानी ई के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चार्ज लिया है नेक्स्ट है पी के मोहंती रिसेंटली आरबीआई ने एक इंटरनल ग्रुप की स्थापना की है और ये ग्रुप

सैनिटाइजिंग जिससे जो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपनी यूनिफॉर्म्स सैनिटाइज कर सकते हैं यानी कि जैसे ही वो बाहर से ड्यूटी से आए वो इसमें अपनी यूनिफॉर्म रख सकते हैं और ये चैम्बर उस यूनिफॉर्म को सैनिटाइज कर देगा नेक्स्ट इसरो से रिलेटेड है सो so इसरो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाएगा ऑनलाइन और इसमें ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन भी होगा एक से तीन क्लास के बच्चों के लिए और मॉडल मेकिंग कंपटीशन होगा चार से आठ क्लास के बच्चों के लिए और नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चों के लिए ऐसे कंपटीशन हो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट यूनिसेफ ने जारी किया था बी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में है रिसेंटली सी ने घोषणा की कि अब वो रेलवे स्टेशन को इस बेसिस पर कैटेगराइज करेगा कि वो रेलवे स्टेशन वेस्ट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं और, करते हैं। CPCB, के अंडर में हैं और ये एनवायरमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस जारी करती है so, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं अब उनको कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस मिलेगा मॉडल सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने इस मॉडल को अडोप्ट करने के लिए परमिशन दे दी है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल क्या है जैसे फ्लैट होते हैं रेजिडेंशियल यानी कि एक के एक के ऊपर घर होते हैं रहने के लिए वैसे ही अब फैक्ट्रीज होंगी ऐसे ही और ये नॉन पोल्यूटिंग यूनिट्स होंगी नॉन पोल्यूटिंग यूनिट्स का मतलब है इनमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा अब इसका फायदा क्या होगा इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा फैक्ट्रीज लगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इतने एरियाज में एक के ऊपर एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई जा सकती है नेक्स्ट है घर घर निगरानी कैंपेन सो so, इसके लिए पंजाब सरकार ने एक ऐप जारी की है ताकि लोगों को कोविड 19 के बारे में जागरूक किया जा सके और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके इससे पहले पंजाब सरकार ने रिसेंटली मिशन फतेह भी शुरू किया था उसका उद्देश्य भी कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना था नेक्स्ट है ई पैसा सो so, रिसेंटली ई पैसा जो की एक पीओएस ओ सोल्यूशन प्रोवाइडर है उसने फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की है और इस पार्टनरशिप के तहत दोनों जाम्बिया में डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी पीओएस का मतलब है सेल, जब आप किसी में जाकर, डिजिटल से अपना कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करते हैं उसे पीओएस डिवाइस बोलते हैं नेक्स्ट है कैप्टन अर्जुन सो अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस सो ये सेंट्रल रेलवे जोन की एक पहल है और इसके तहत रेलवे है वो अपने पैसेंजर्स को और बेहतर तरीके से स्क्रीन कर पाएगी और सर्वेलेंस कर पाएगी और ये यानी कैप्टन अर्जुन सेंट्रल रेलवे जोन का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है नेक्स्ट है रोबी सो तो ये बांग्लादेश की एक कंपनी है और भारतीय इंटरनेशनल सिंगापुर ये भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी है और रिसेंटली इस सिंगापुर एंटिटी ने बांग्लादेश की, की, है। है, so, की गई है और इन मशीन की मदद से कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड जो टेस्ट है उसका रिजल्ट जल्दी से मिल सकता है नेक्स्ट है डीप नॉलेज ग्रुप सो so, इस ग्रुप ने रिसेंटली एक कोविड नाइन्टीन हैंडलिंग रैंकिंग जारी की थी यानी किस देश ने कोरोना को कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया और इस रैंकिंग के हिसाब से स्विट्जरलैंड है वो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है जबकि इंडिया की रैंकिंग है वो है फिफ्टी सिक्स साउथ सूडान है वो लास्ट पोजिशन पर है यानी कि दो नंबर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट सो so, बच्चों को ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट और भी मल्टीपल डिजिटल कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट नेक्स्ट है सबरीमाला टेम्पल फेस्टिवल सो so, ये केरल का एक फेमस फेस्टिवल है और रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि कोविड 19 के कारण ये टेम्पल फेस्टिवल कैंसिल हो गया है सो so, ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज थैंक यू